लगातार पाँच दिन पदयात्रा के पश्चात नीलकंठ गुजरात में सूर्यपुर सूरत वे अखाड़े में गोड़िया मंदिर में ठहरे सूरत में किसी ने उनको भोजन के लिए पूछा तक नहीं वे तीन दिनों तक उपासी रहे चौथे दिन एक मलनी ने कुछ फल दिए उसे स्वीकार कर नीलकंठ ने आहार किया यहाँ से तपी के तट पर स्थिर आश्नी कुमार तीर्थ में पधारे तपी नदी दोनों किनारों पर भरपूर बह रही थी लोगों के बहुत समझाने के बाद भी नीलकंठ नदी में कूद पड़े और सामने किनारे पर आ पहुँचे यहाँ से चलकर नर्मदा नदी के तट पर भरूच शहर में पहुँचे यहाँ उन्होंने रात्रि निवास किया फिर पीपली गांव होते हुए कपिलेश्वर मंदिर में दर्शन करके नर्मदा स्नान के बाद शुक्ल तीर्थ में बाबा प्यारा के घर पर आ पहुँचे शुक्ल तीर्थ से नीलकंठ अबली और अनसूर्या तीर्थ पधारे यहाँ अनसुर्या देवी का मंदिर है अबली की राजा बाई ने नीलकंठ को दूध दिया और प्रार्थना की कि इसी स्थान पर रहिए और इसी तरह प्रतिदिन हमारे घर को अपना सत्संग लाभ दीजिए राजा बाई के भक्ति भाव देकर नीलकंठ सात दिन तक अनसुईया में रहे वे प्रतिदिन नर्मदा में स्नान करके अबली राजा भाई के घर दूध पीने आते फिर वहां से वे शुक्लेश्वर और व्यवसाय तीर्थ पधारे इस तरह नर्मदा के तट पर ऋषियों की तपोभूमि को पवित्र करके नीलकंठ आगे चल चल दिए दो तथा करनाली के प्राचीन मंदिरों में दर्शन करके नीलकंठ ढोई पधारे यहाँ बागनाथ महादेव के मंदिर में उन्होंने रात्रि निवास किया फिर बसई होकर बड़ौदा बड़ौदा शहर के बीच मांडवी गए दरवाजे के नीचे नीलकंठ ने आसन ग्रहण किया संध्या को संध्या का समय था धुंधले उजाले से नीलकंठ की प्रतिभा प्रति से आकर्षित होकर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी लोग जिज्ञासा पूर्वक पूछताछ करने लगे इतने में अमीरचंद नामक एक व्यापारी अपनी दुकान से निकलकर नीलकंठ के पास आ पहुंचा उसके हाथ में लालटेन थी लालटेन के उजाले में नी। उसने नीलकंठ का मुख में अद्रीव देखा तो स्तंभ रह गया उसने सोचा कि निश्चित ही यह कोई महापुरुष है उसने नीलकंठ को हाथ जोड़कर भोजन के लिए पूछा नीलकंठ ने कहा जो भी तैयार हो वह लाइए वह